करीब से बेटा। एक उनके उनके लांच में से तोड़ उड़ के नहीं आए मच्छी कहीं हमारे लांच में? जब हम टोकरी भर भर के डाल रहे थे, हम टोकरी के हिसाब से हिसाब किताब लगा रहे थे। ये अल्लाह पाक की रहमत है। नुकसान क्या है? पचासी तो ऊपर होगी। हाँ, 5 किलो से? हाँ नहीं होगी, ऐसे लग रहा है जैसे हम फिशरी में खड़े हैं। हाँ हाँ लगती है माशाल्लाह से। अच्छा ये तूफान में हमेशा जो अल्लाह तआला के साथ दिए है। एक दफ़ा तो सारे जितने दोस्त थे उन्होंने रात में टीवी पे बताया कि बड़ा तूफान आने वाला है, और वाकई सुबह जब हम उठे ये दरख्त जो है ना, ये दरख्त तो कराची में उगड़ गए थे, ऐसी हालत हो रही है। तो मैंने अपने छोटे बेटे को उठाया, ये मेरा बड़ा बेटा है, तो वो शायद अंदर चला गया। और एक चचेरा भाई आए हुए थे, वो भी छोटा है, तो उसको लिया। गाड़ी स्टार्ट की, मैंने अल्लाह का नाम लिया। आप यकीन करें, मैं मेरे साथ लांच के दो, एक छोटा लड़का था एक बड़ा बंदा था, तीन बंदों ने मिल के जो ना ये आइस बॉक्स हमने बर्फ़ निकाल के, मेरे बच्चे दूसरे दिन अब चलो बस घर चलो, उनको गर्मी बर्दाश्त नहीं है, दूसरे दिन मौसम चेंज हो गया। वो दिन को हवा जब हम पार्लों से बैठे हैं ना, ऐसे चैनल जो वो, और अल्लाह ताला ने मल पे गए बड़ी बच्ची की तकसीम सही होगी। नदीम अब तो खुश हो ना? खुश होएगा नहीं, खुशी अब वो उसे मिला नहीं देना। 18 किलो मैंने मच्छी मारी है। जी जी, मुझे तो मैं तो नहीं मानता, यकीन नहीं आता 18 किलो में। 18 किलो है भी ना सकती यार, खाली खाली बैठे हुए तुम्हारे यार। अपना जान रखा हो हाँ, लेकिन अंदाज़ा जो है ना, मेरा अंदाज़ा तो होगा फिर 8 किलो होगी, 9 किलो होगी। वो बंदे कितने थे भाई, वो डोरे कितने आपस में वो लचती होंगी। ये कि कल रात को उन्होंने जो हाथ मारा है बेटा, पानी पिला देंगे ऊपर वाला, उसको पानी नहीं आ रहा हमारे यहाँ। आपका वो नवेद से रोज सिखाते यार, कुछ जुगाड़ करो, कुछ क्या तरीका हो सकता है।